हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैथ के वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ के टॉप 50 क्वेश्चन का एक और नया पार्ट, जो कि आरपीएफ एसआई कांस्टेबल साथ ही साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए। और इससे पहले भी मैं दो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ टॉप 50 क्वेश्चन पर, जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, उनको भी जरूर देख लेना। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से आपको मैथ की वीडियो, रीजनिंग की वीडियो, ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट की वीडियो डेली मिलती रहे, तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को जरूर शेयर किया करें अपने दोस्तों को, ताकि दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके। और वीडियो को लाइक कर दिया करें या फिर कमेंट करके जरूर बता दिया करें, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको कितना परसेंट समझ में आ रहा है या फिर कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है। तो अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो मतलब अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, राजेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना यह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष हो तो राजेश की आयु कितनी है। तो यहाँ पे देखिए, राजेश अनिल से उतना ही छोटा है, तो अनिल से छोटा है राजेश, इसका मतलब राजेश नीचे आ जाएगा। जितना यह प्रशांत से बड़ा है, तो प्रशांत से बड़ा है यानी कि प्रशांत इसके नीचे आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन में बोला गया है, तो ये है, ये पूरा मैंने विजुलाइज करके आपको बता दिया है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन में बोला जा रहा है। अब नेक्स्ट लाइन में बोला जा रहा है, यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष हो तो राजेश की आयु कितनी है। अगर अनिल और प्रशांत की आयु का योग 48 है, तो इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये कितना 48 है, यानी कि इन दोनों की आयु का योग। ठीक है, और आपसे राजेश की आयु पूछी जा रही है। दोस्तों, एक चीज़ आप बताइए मुझे, इन दोनों की आयु का डिफरेंस और इन दोनों की आयु का डिफरेंस इक्वल होगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है, इन दोनों का इक्वल क्यों होगा डिफरेंस, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है, तो मैं इनको यहाँ पे एक इक्वेशन में लिख सकता हूँ इस तरीके से। देखिए, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको आर और इसको पी। ठीक है, मैंने इनको शॉर्ट नेम दे दिए हैं। तो यहाँ पे ए माइनस आर किसके इक्वल होगा, आर माइनस पी के। अगर आप इतनी चीज़ समझ गए हैं तो समझिए क्वेश्चन हो चुका है। अब बस आपको क्या करना है, आर वालों को एक साइड में ले आइए, तो ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो टू आर बराबर किसके हो जाएगा, ये माइनस का है, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए प्लस पी, यानी कि अनिल प्लस प्रशांत किसके इक्वल हो जाएगा, टू आर के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2R बराबर 48, क्योंकि A और P की आयु का जो सम है, जो योग है, वो 48 है। तो 2R बराबर 48 है, तो R बराबर कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ पे राजेश की आयु कितनी हो जाएगी, 24 वर्ष। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एज से। इससे पहले वीडियो में कई बच्चों ने बोला था कि सर एज से क्वेश्चन कराइए, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आप इसको अच्छे से समझिएगा, कई प्रॉब्लम आपकी क्लियर हो जाएगी यहीं से। यहाँ पे बोला जा रहा है, 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु का 3 गुनी थी। तो यहाँ पे पिता और पुत्र की आयु का रेशो बता दिया गया 10 वर्ष पहले का। तो मैं बोल सकता हूँ फादर और सन की एज का 10 वर्ष पहले का रेशो 3:1 है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना थी। यानी कि सन की अगर आयु 1 है, पुत्र की आयु अगर 1 है, तो फादर की आयु कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि 3 गुना है। और ये कब का रेशो है, 10 वर्ष पहले का। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में बोला जा रहा है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी हो गई। तो 10 वर्ष बाद का रेशो भी हमें पता चल गया। तो सन की आयु अगर 1 होगी, तो फादर की आयु कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यानी कि दुगनी हो जाएगी। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यहाँ पे हमें वर्तमान आयु नहीं पता है, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है, इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, ये आपको निकालना है। दोस्तों, बहुत ही आसान है, बस एक बार थोड़ा सा दिमाग सा लगा के देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, हमें पता है फादर और सन की एज 10 वर्ष पहले की। तो मैं बोल सकता हूँ फादर की एज 3x है और सन की एज x है। 10 वर्ष पहले की एज अगर इनकी ये है, और इसमें मैं 20-20 प्लस कर देता हूँ दोनों में, तो इस रेशो के इक्वल हो जाएगा। अब 20 प्लस क्यों किया, इसको थोड़ा समझते हैं भाई। हमें वर्तमान एज नहीं पता फादर और सन की, 10 वर्ष पहले भी पता है और 10 वर्ष बाद की भी पता है। तो कुल मिला के इन रेशो के बीच का अंतर आया कितना, 10 वर्ष पहले जाएंगे, अगर मैं 10 वर्ष इधर से लेके आऊँ और 10 वर्ष इधर से लेके आऊँ, तो कितना डिफरेंस हो गया, टोटल मुझे 20 वर्ष का डिफरेंस नज़र आ रहा है। और अगर मैं इस वाले में 20 प्लस कर दूं, तो इस 10 वर्ष बाद वाले रेशो के इक्वल हो जाएगा ना ये पूरी इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यही करना है, 3x और x में मैंने 20-20 प्लस किया, और ये किसके इक्वल हो गया, इस 10 वर्ष बाद वाले रेशो के। तो 2/1 यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है इसकी, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, और आपका क्वेश्चन हो गया, समझिए।
वन की इधर करेंगे 3x और 20, और टू की इधर करेंगे 2x और 40, ठीक है। अब x वालों को एक साइड में लेके आ जाइए, तो कितना बचेगा, x बच जाएगा, 3x माइनस 2x हो जाएगा तो वह x बच जाएगा, और 40 में से 20 जाएगा तो 20 हो जाएगा, तो x बराबर आपका 20 आ गया। अब यहाँ से मैं देखिए, आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं इस x की, यानी कि ये 2x और 3x मान के, तो इसमें से आपको 10 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में ले जाने के लिए हमें क्या करना है भाई, पीछे ले जाना पड़ेगा ना। अगर आप इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं इस 20 की, तो आपको इसमें 10 प्लस करके आना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं इससे करता हूँ, ठीक है, 3 और x में, तो 3 और x की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x में 20 की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि x की वैल्यू आपके 20 मिल चुकी है और x की तो 20 है ही, तो यहाँ पे 60 और 20 आपको मिल गई, 10 वर्ष पहले की आयु फादर और सन की। अब पूछा हमें प्रजेंट का रेशो, वर्तमान का रेशो, तो ये हमें 10 वर्ष पहले का मिला है, तो 10-10 अगर मैं प्लस कर दूँ तो वर्तमान का एज बन जाएगी। अगर वर्तमान की एज पूछी जाती, यानी कि आपकी एज हो जाती 70 और 30, ये आपका राइट आंसर हो जाता। अगर एज नहीं पूछी गई, रेशो पूछा गया, तो 0 हटा दीजिए, 7 और 3 आपका रेशो बन जाएगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका सिंपल इंटरेस्ट से, यहाँ पे बोला जा रहा है, एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज और उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपये कम है, वह धन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, सीधा सीधा सा सिंपल इंटरेस्ट होता है वो फिक्स होता है, यानी कि जो फर्स्ट ईयर में है वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, नेक्स्ट सभी ईयर में रहेगा। तो यहाँ पे जो बोला गया है 3 वर्ष और 5 वर्ष का डिफरेंस, तो कितना है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, 2, यानी कि 2 वर्ष में जो इंटरेस्ट लगा है वो कितना है, 400 है। तो 2 वर्ष का आपको 400 इंटरेस्ट मिल गया, प्रिंसिपल आपसे पूछा है, यानी कि मूलधन आपसे पूछा है, वह धन ज्ञात कीजिए, धन आपको बताना है, यानी कि मूलधन ही है वो। तो आपको ईयर पता चल गया, सिंपल इंटरेस्ट पता चल गया, रेट आपको पहले से क्वेश्चन में बता रखा था, तो बस सीधा सीधा पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 वाला फॉर्मूला अप्लाई करिए और आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, एसआई कितना देखा, 400, यहाँ पे 400 लिख लिया, पी आपको निकालना है, आर कितना है 4, और रेट कितना, ईयर कितना है, 2 ईयर का इंटरेस्ट है, अपॉन में 100 रख लीजिए। तो देखिए इससे 4 से जाएगा ये 25 बार, और इसको आप सोल्व करेंगे पूरे के पूरे को क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो कितना हो जाएगा इस तरीके से, तो ये हो जाएगा आपका 10,000 बराबर 2p, यहाँ पे 2p हो जाएगा, तो p बराबर कितना हो जाएगा 5,000, तो जो प्रिंसिपल है मूलधन है वो आपका 5,000 आ जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरीके का, ये थोड़ा सा और अच्छा है। यहाँ पे बोला जा रहा है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 तथा 5 वर्ष में 625 हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपको रेट बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो ये भी बहुत सिंपल है। देखिए स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करिएगा, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी भी फंसेंगे नहीं क्वेश्चन में, और आंसर 100% करेक्ट आएगा। स्टेप का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575, यानी कि साधारण ब्याज से एसआई से सिंपल इंटरेस्ट से 3 वर्ष में 575 हो जाता है और 5 वर्ष में 625 हो जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट में आपका जो इंटरेस्ट लगता है वो फिक्स होता है, मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बताया था। तो 3 वर्ष में अगर 575 है और 5 वर्ष में 625 है, तो ईयर का डिफरेंस देखिए 2 है और इंटरेस्ट का डिफरेंस आपका 25 है, ठीक है, 25 नहीं होगा शायद 50 होगा, ठीक है, देखिए ये 75 है ना, हाँ, तो यहाँ पे 50 होगा, तो इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है 50 है। अब देखिए 2 साल में अगर 50 रुपये लग रहा है, तो हर साल कितना लगता होगा भाई, इंटरेस्ट तो फिक्स रहता है ना सिंपल इंटरेस्ट में, तो हर साल ये 25 लगता है, यानी कि 25 इंटरेस्ट हर साल लगता है। अगर मैं ये निकाल लूँ कि पहले 3 साल में कितना इंटरेस्ट लगा था, तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि देखिए कैसे हर साल 25 इंटरेस्ट लग रहा है, 3 साल में कितना होगा, 75 इंटरेस्ट लगा होगा। तो अगर मैं इस 575 में से 75 माइनस कर दूं, तो मेरा मूलधन मिल जाएगा इस 575 में से, क्योंकि पहले 3 साल का जो इंटरेस्ट लगा, इंटरेस्ट लगने के बाद में जो आपका अमाउंट बनती है, जिसको हम बोलते हैं मिश्र धन, तो उसे वो कितना हो गया था 575। मिश्र धन जो होता है आपका, वो होता है जिसमें आपका इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है, जो आपका प्रिंसिपल भी इंक्लूड होता है। तो अगर मैं इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दूँ 3 साल का, तो 575 में से 75 जाने के बाद 500 बचता है, तो ये आपका मूलधन बच जाता है, ठीक है। अब आपको इंटरेस्ट भी पता चल गया 3 साल का, मूलधन भी पता चल गया, रेट आपको निकालना है, तो बस जल्दी से निकाल दीजिए, कुछ भी नहीं बचा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 रख के। तो यहाँ पे एसआई तो आपका 75 हो जाएगा, 500 आपका प्रिंसिपल है, आर आपको निकालना है, और जो आपका ईयर है, कितने ईयर का इंटरेस्ट है 75, ये 3 वर्ष का है, तो 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए अपॉन में 100। तो इसको सोल्व करेंगे, देखिए ये चला जाएगा 5 या 15, और ये 75 को 15 से भाग करेंगे, तो आर आपका आ जाएगा 5%, तो यही आपका सही राइट आंसर हो जाएगा।
आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया हो। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, इससे पहले ही जो वीडियो थी उसमें मैंने क्वेश्चन कवर कराया था, जहाँ पे कुछ बच्चों ने इसमें डाउट बोला कि सर ये क्वेश्चन एक बार और बताइए, और अब ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, बट आप में इसका मतलब इसमें भी ट्रिक वही यूज हो रही है जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हुई थी, यानी पहले जो पार्ट मैंने अपलोड किया था। बस थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन वही लगेगा आपको। इसमें बोला जा रहा है, किसी बर्तन में 50 लीटर द्रव्य रखा है, जिसमें से 5 लीटर द्रव्य निकाला जाता है, उतना ही दूसरा द्रव्य डाल दिया जाता है, और यह क्रिया 3 बार की जाती है, अंत में बर्तन में पहले द्रव्य की मात्रा कितनी रह जाएगी। तो देखिए, जो इसकी ट्रिक होती है बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, आपकी एक्स 1 माइनस वाई अपॉन में आपका एक्स ही आएगा, ठीक है, एक्स 1 माइनस वाई अपॉन में यानी कि एन, यहाँ पे एन का मतलब है तो कितने बार रिपीटेशन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है किसी बर्तन में 50 लीटर द्रव्य रखा जाता है, जिसमें से 5 लीटर द्रव्य निकाला जाता है, उतना ही दूसरा द्रव्य डाल दिया जाता है। अब देखिए, जब इसमें से 5 लीटर द्रव्य निकाला जाएगा, एक बर्तन है उसमें 50 लीटर द्रव्य है, उसमें से 5 लीटर एक द्रव्य निकाला गया और 5 ही डाल दिया गया, फिर एक और फिर 5 लीटर द्रव्य निकाला, फिर दूसरा द्रव्य डाल दिया, फिर 5 लीटर निकाला, फिर दूसरा द्रव्य डाल दिया, ये 3 बार किया गया। अब इस 3 बार को आपको अलग अलग बार थोड़े ही करेंगे, तो ऐसे तो आपको 15-20 मिनट लग जाएंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, बट इसको ट्रिक से सोल्व करेंगे तो मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लग सकती हैं। देखिए कैसे, अब यहाँ पे एक्स जो है आपकी टोटल जो द्रव्य होता है वो लेना होता है हमें, तो ठीक है, यहाँ पे एक्स 1 माइनस जो बार बार निकाला जा रहा है, तो 1 माइनस 5 अपॉन में ये वाला x जो टोटल है वो फिर वही आपका 50, और ये जितनी बार रिपीट करने के लिए बोला जाएगा। क्वेश्चन को कराने का मकसद ये है कि जब यहाँ पे एक ही क्वांटिटी को बार बार निकाला जा रहा है और बार बार डाला जा रहा है, तो बस आपको यहाँ पे n की वैल्यू रख देनी है, n की वैल्यू जितनी बार रिपीट करने के लिए बोला जाए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है दूसरा द्रव्य डाल दिया जाता है, यह क्रिया 3 बार की जाती है, तो 3 बार की जाती है, तो बस यहाँ पे आपको 3 रख देना है पावर। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए कितना हो जाएगा, 50 की एक में करेंगे 50 और माइनस 5 तो 45/50, तो 50 ब्रैकेट ये 3 हो जाएगा। अब इसको आप इसका क्यूब नहीं करेंगे, यहाँ पे सीधा सीधा इसको 3 बार लिख लेंगे, 50 × 45/50 अब इसको सोल्व करिए, ये हो जाएगा आपका, देखिए जैसे 50 से 50 गया, ठीक है, ये आपका चला जाएगा 5 से 10 बार, ठीक है, ये चला जाएगा 9 बार, ये भी चला जाएगा आपका 10 बार, और ये भी चला जाएगा 9 बार। अब इसको और सोल्व कर लेते हैं, 5 × 2 ये हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, ठीक है, इसी तरीके से, तो यहाँ पे ये भी चला जाएगा 9 से 5 बार। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी कट जाती हैं, नीचे कितना बचेगा 20, और इन सभी की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 729, तो 729 को 20 से भाग करेंगे तो 36.45 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये होता है ये वाली कंडीशन में, मतलब एक बार फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, जब बार बार वही क्वांटिटी को बार बार निकाला जा रहा है और डाला जा रहा है, बस आपको पावर बढ़ा देना है। अगर यहाँ पे बोलते 4 बार निकाला, 4 बार इसी चीज़ को रिपीट करते, 4 5 बार बोलते तो 5, बस इतना आपको चेंज करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 2 रेलवे स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 220 मीटर की दूरी पर है, एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर जाती है, और 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए की ओर जाती है, दोनों रेलगाड़ी ए से कितनी दूरी पर मिलेगी ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे 2 स्टेशन है ए और बी, दोनों के बीच की जो दूरी है वो 220 किलोमीटर है। ठीक है भाई, इनके बीच की दूरी कितनी है, 220 किलोमीटर है, और यहाँ पे बोला जा रहा है ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। देखिए एक ट्रेन तो ए से चलती है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की तरफ को, और एक फिर चलती है 30 मिनट बाद बी से ए की तरफ को, यानी कि एक दूसरे की तरफ को चल रही है, दोनों की चाल भी अलग अलग है, एक 80 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, एक 100 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। यहाँ पे क्वेश्चन में जो छोटा सा ट्विस्ट है वो ये है कि बी की साइड से ट्रेन चलती है जो वो आधा घंटा लेट चलती है, आधा घंटे बाद चलती है, ये आधा घंटा पहले चल लेती है। अब पूछा जा रहा है कि जब ये कहीं पे मिलेंगी, जब एक दूसरे की तरफ को चल रही है तो कहीं ना कहीं तो मिलेंगी ना, जब ये कहीं पे मिलेंगी तो वहाँ से ए की दूरी कितनी होगी, यानी कि ए से कितनी दूरी पर आके मिलेंगी ये आपको बताना है। भाई आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी ट्रेन पहले चलती है तो जितना डिस्टेंस वो कवर करेगी पहले चल के वो टोटल डिस्टेंस में से माइनस कर लेते हैं। साथ ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको कवर कराया है, यहाँ पे किसी स्टूडेंट ने पूछा होगा कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया इसलिए मैंने दोबारा लिया है। तो यहाँ पे 220 में से उस 40 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 220 माइनस 40। अब ये कवर करेंगे कौन, दोनों ट्रेन मिलके, तो दोनों की स्पीड को प्लस कर देंगे, तो दोनों की स्पीड को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 180 किलोमीटर, और 120 में से 40 माइनस करेंगे ये भी 180 किलोमीटर ही हो जाएगा, तो 180 को 180 से भाग करेंगे तो एक घंटे में दोनों मिल जाएगी।
बट ये नहीं पूछा आपसे 1 घंटे में दोनों मिल जाएंगी या कितनी देर में मिलेगी, ये पूछा है कि ए से कितनी दूरी पर मिलेगी। तो आप मुझे खुद बताइए, ए आधा घंटा पहले चला था, चली थी ट्रेन, तो इसका मतलब 40 तो ये पहले कवर कर चुकी थी। फिर ये यहाँ पे 1 घंटे में मिलेंगी, इसका मतलब 1 घंटा फिर चली होगी ये ट्रेन, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, तो 1 घंटे में 80 किलोमीटर फिर चली होगी, तो कुल मिला के 120 किलोमीटर की दूरी पर आके मिलेंगी ये दोनों ट्रेन। जब ये कहीं पे मिलेंगी तो ए की दूरी से 120 किलोमीटर दूर आ चुकी होगी ए वाली ट्रेन। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो 120 इज द राइट आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दो पाइप एक टंकी को क्रम 15 घंटे 12 घंटे में भर सकते हैं तथा तीसरा पाइप इस भरी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। टंकी में यह पाइप क्रम 8 बजे 9 बजे और 11 बजे प्रातः खोल दिए जाते हैं। टंकी कितने बजे खाली होगी, सॉरी ये दो बार लिखा गया यार, ठीक है, कितने बजे खाली होगी आपको बताना है, ठीक है। SSC रेलवे 2005 और 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे मैंने बोला है आपको, जब भी ये कुछ इस टाइप का क्वेश्चन करना है, टाइम एंड वर्क का हो चाहे पाइप एंड सिस्टम का हो, जैसे जैसे इन्होंने बोला वैसे वैसे लिख लेते हैं। तो ए से जो है दो पाइप ए 15 घंटे और 12 घंटे में भरते हैं, तो जिसमें से ए पाइप मैं मान लेता हूँ 15 घंटे में भरते हैं, बी पाइप 12 घंटे में भरता है, और सी पाइप जो खाली करने वाला है 4 घंटे में खाली कर देता है पूरी टंकी को। तो इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम से हमें टोटल कैपेसिटी पता चल जाएगी, टैंकी टोटल कैपेसिटी कितनी है। तो 60 ले लिया, तो 60 है टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक आ जाएगी, ठीक है। तो टैंक की टोटल कैपेसिटी कितनी आ गई, 60 यूनिट आ गई। अब ये ए पाइप 1 घंटे में कितना भरता होगा, 60 को 15 से भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि हर 1 घंटे में 4 यूनिट भरता होगा। फिर 60 को 12 से भाग कर देंगे तो बी पाइप 1 घंटे में 5 यूनिट पानी भरता होगा, और 60 को 4 से भाग कर देंगे तो सी पाइप 1 घंटे में 15 यूनिट पानी निकाल लेता होगा। अब देखिए आप खुद सोच सकते हैं, ये दोनों मिलकर 9 यूनिट पानी भरेंगे और ये अकेला ही 15 यूनिट पानी खाली कर देगा, तो इसका मतलब टैंक तो भरेगा नहीं अगर साथ में खोल दे जाए। तो इसलिए इन्होंने बोला है कि एक तो पहले 8 बजे खुलेगा, फिर एक 9 बजे खुलेगा, और फिर लास्ट वाला पाइप सी 11 बजे खुलेगा। तो यहाँ पे जब 8 बजे वाला पाइप हम खोलेंगे तो 1 घंटे में 4 भरता है, तो 8 से 9 तक खुला रहेगा अकेला ये, तो 1 घंटे में 4 यूनिट पानी भरेगा, तो 4 तो ये हो गया। फिर दूसरा बोला जा रहा है 9 बजे दूसरा पाइप खुलेगा, तो 4 तो ये पहले मतलब ये 8 बजे वाला पहले एक पाइप खुल चुका था, फिर बी भी खुल जाएगा, यानी कि 11 बजे तक ये दोनों पाइप चलेंगे। तो ये दोनों मिलके 9 यूनिट पानी भरते हैं, तो 2 घंटे में कितना भर देंगे, 18 यूनिट पानी ये भर देंगे। तो कुल मिला के अभी तक 11 बजे तक, क्योंकि 11 बजे तो फिर सी भी खुल जाएगा ना, 11 बजे तक 22 यूनिट पानी भरा जा चुका होगा। तो 60 में से 22 यूनिट पानी अभी तक भरा जा चुका है, पर दोस्तों आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि कितना पानी भरा जाएगा या फिर कितना पानी अभी तक भरा गया है। यहाँ पे पूछा जाएगा कि खाली टंकी कितनी देर में हो जाएगी, किस टाइम तक हो जाएगी, आपको बताना है। अब मुझे ये बताइए, टैंक की कैपेसिटी 60 लीटर की है बट अभी तक 22 लीटर पानी भरा गया है, अगर टैंक इसमें सी वाला पाइप भी खोल दिया जाए तो अब पानी भरेगा नहीं, निकलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पानी ज़्यादा खाली करता है भरने के कंपेयर में। ये केवल 9 यूनिट पानी डाल पाते हैं 1 घंटे में, और उसी घंटे में 15 यूनिट पानी निकाल देता है, तो पानी निकलेगा जाएगा नहीं। कितना निकलेगा, हर 1 घंटे में 6 यूनिट पानी निकलेगा, तो जो अभी तक 22 यूनिट पानी भरा था इन दोनों ने मिल के 11 बजे तक, उसको खाली कर दे करना स्टार्ट हो जाएगा। तो कितनी देर में खाली होगा, 22 को 6 से भाग कर देंगे तो 3 घंटे 40 मिनट, यानी कि 4/6 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो मिनट हमारी मिल जाएगी, तो 40 मिनट लगेंगे। 3 घंटे 40 मिनट में टैंक खाली हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे पता चल गया, 3 घंटे 40 मिनट में ये हमारा टैंक खाली हो जाएगा, तो किस टाइम तक खाली हो जाएगा, तो 11 के बाद काउंट कर लीजिए, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2:40 पे टैंक खाली हो जाएगा। यही दोस्तों आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस टाइम तक टैंक खाली हो जाएगा। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आया तो लाइक कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया था, अभी RPF का ही क्वेश्चन है ये, इसमें बोला जाए 3 + (32)8 × (52)4 + (9) और ये आपका ब्रैकेट क्लोज, इस तरीके से आपसे पूछा गया था। तो इसमें बोर्ड मास हम अप्लाई करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 और 9 13, ये ब्रैकेट सोल्व हो गया हमारा, ब्रैकेट हट जाएगा, यहाँ पे 13 आ गया, ठीक है। तो इसको हम पूरा कैलकुलेट इतनी जल्दी वो नहीं करेंगे हर एक लाइन में, बस इसको 13 लिख लेते हैं। अब ये डिवाइड के ब्रैकेट के सोल्व के बाद क्या आता है, डिवाइड आते हैं, तो 15 को 52 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम जाएगा, तो ये 4 टाइम यहाँ से हो जाएगा, तो ये आपका इतना क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, इसका 4 आ चुका है। फिर यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे 32 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई आता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 की और इसमें
चार में तो कितना हो जाएगा 16, और 3 प्लस कर देंगे सबसे लास्ट में प्लस होगा, उससे भी लास्ट में माइनस होगा अगर कुछ माइनस होता तो, अब माइनस भी कर देते तो 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से करते हैं, आपको ये जो भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं तो इनको आपको बोर्ड मास के रूल से ही करना है, एक एक स्टेप को ध्यान में रखते हुए। और जैसे जैसे मतलब बोर्ड मास बोलता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करिए, फिर मतलब फिर उसके बाद ऑफ वाली मल्टीप्लाई, फिर आपका डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर एड, फिर सब्ट्रैक्ट, सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्ट, तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के एक खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत 12.4 है, वह 26 रन पर 5 विकेट लेकर अपनी औसत गेंदबाजी में 0.4 की कमी कर देता है, अंतिम मैच तक उसने कितने विकेट लिए ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे क्रिकेट के एक खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत 12.4 है, यानी कि देखिए 12.4 का मतलब होता है कि वह हर 12.4 रन पे देकर एक विकेट लेता है, तो अभी तक वो कितने विकेट ले चुका है ये हमें नहीं पता, वो हमें बताने हैं। तो यहाँ पे देखिए 12.4 पे मैं मान लेता हूँ एक्स विकेट उसने लिए थे, ठीक है, वह 26 रन पर 5 विकेट ले लेता है, यानी कि उसने नेक्स्ट 5 विकेट और ले लिए, तो अभी तक उसने x प्लस 5 मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, यानी कि x तो पहले वाले और 5 विकेट और ले चुका है, वो अब उसका जो एवरेज है वो 0.4 से कम हो गया है, इसका मतलब कम हो जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है, कमी आ गई है। तो अब रेशो जो उसका ये है औसत है, मतलब गेंदबाजी का औसत है, वो 12 हो गया है, तो 12.4 से घट के। अब यहाँ पे देखिए सीधा सीधा सा ये आता है कि अगर उसे 5 विकेट लेने थे जो पहले के रेशो, पहले बिना उसका औसत गिरे, अगर उसे वो रन लेने थे, यानी कि कितने रन पे वो विकेट लेने थे, तो 12 × 5 = 60, यानी कि 60 रन पे उसे विकेट लेने थे 5, बट एक्चुअली हुआ क्या, इसने 26 रन पे ही 5 विकेट ले लिए, तो इसका मतलब उसने कितने कम रन पे विकेट लिए, 26 माइनस कर देंगे 60 में से, तो ये आपका 34 कम रन पे उसने विकेट लिए। अब ये 34 इसमें डिस्ट्रीब्यूट होंगे जिसकी वजह से ये औसत गिरा है, ठीक है, तो 0.4 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 34, यानी कि x मल्टीप्लाई 0.4 किसके इक्वल होगा 34 के, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी, तो 34 को अगर मैं 0.4 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे 85, यानी कि अभी तक उसने 85 विकेट लिए हैं। अगर पूछा जाता कि अभी तक टोटल विकेट उसने कितने लिए हैं, तो 5 और प्लस कर देते 90 आपका राइट आंसर हो जाता, बट यहीं पे क्वेश्चन में यहीं तक ही आपसे पूछा गया था, तो 85 इज़ द राइट आंसर। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, तो कैसे करना होता है, एक तो बिल्कुल बेसिक होते हैं वो मैं आपको पहले कवर करा चुका हूँ, एक ये होते हैं जिसमें आपको मतलब जैसे √20 + √20 + √20 और इनफिनिट तक जा रहे हैं, देन आपको इस वाई की वैल्यू आपको बतानी है। तो एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ, थोड़ा आजकल गला ख़राब हो रहा है तो इसलिए लंबी वीडियो बनाने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए ये जो फॉर्मूला है हमारा, जो ट्रिक है इसको याद कर लीजिए, 1 + √4x/2, भाई ये याद करना पड़ेगा, इसके बिना आप इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इससे आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे जितने भी ये इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, रूट अंडर रूट के, रूट के अंदर रूट, इस तरीके से जो भी क्वेश्चन होते हैं इसे आप यूज करके कर सकते हैं। देखिए इससे आसान तरीका भी मैंने बताया, बट वो सभी जगह अप्लाई नहीं होता है वो हर एक क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगा, तो इसलिए इसको याद कर लीजिए। तो यहाँ पे वाई बराबर 1 + √1 + 4 × 20/2 आ जाएगा आपका, क्योंकि बस यहाँ पे x की जगह आपको 20 रखना है। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 + √1 + 80/2, तो ये कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा रूट के अंदर, तो 1 + √81/2 या तो आपका ये आंसर होगा या फिर आपको ये हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है, तो 1 + 9/2 यानी कि 5 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो जो भी आपसे पूछ रहे हैं उसी तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए एक और देख लेते हैं, एक फैक्टर वाला मेथड होता है, देखिए जैसे ये तो हम फैक्टर वाले से कर सकते थे, ठीक है, बट ये वाला जो क्वेश्चन है आपका 13, अब इसके क्या फैक्टर करेंगे आप, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला बनता है और इसी से आप सारे क्वेश्चन जिसके फैक्टर हो सकते हैं और जिसके नहीं हो सकते सब में अप्लाई हो सकता है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला ही बता रहा हूँ, क्योंकि इसको याद कर लेंगे तो आपका इजीली बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर प्लस है तो प्लस यहाँ पे कर देंगे, अगर माइनस है तो यहाँ पे 1 - लिखेंगे, ठीक है, तो 13 - रूट ये आपका जा रहा है, तो इस ये भी आपको वैसे ही करना है, बस एक्स की जगह आपको 13 लिख लेना है, 1 - √1 + 4 × 13/2, तो कितना हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 करेंगे तो ये आपका 53 आ जाएगा, तो 1 - प्लस
यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, इतना ही आपको क्वेश्चन में जो ऑप्शन होंगे वो लिखे मिल जाएंगे। अब ये है जैसे आपका, जब भी आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ ऐसे रूट के अंदर, रूट के अंदर रूट आपका होता है, ठीक है, तो जो भी इसके अंदर होता है वही इसका राइट आंसर हो जाता है। बस यही इसका शॉर्ट ट्रिक और यही आपका आंसर है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू अगर आपसे पूछी जाती है रूट, इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं लगा होता और इन्फिनाइट तक ये जा रहा है, तो बस जो भी इसके अंदर होगा वही आपका राइट आंसर। ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका, 25% की छूट देकर 20% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा। देखिए हमारा सीपी जो होता है वो 100 होता है, एमआरपी हमारी एक्स मान लेते हैं, अभी पता नहीं है, ठीक है। तो हमें पूछा है कि 25% की छूट देकर भी 20% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्या रखना होगा, ये आपको बताना है। तो जब 25% की आप छूट देंगे तो 100 में से छूट देंगे तो कितना हो जाएगा आपकी छूट देने के बाद में, 75। अब मेरे को वो जो चीज़ है वो 120 बनानी है, यानी कि उसमें 20% का मुझे प्रॉफिट ऐड करना है। तो एक्स का यानी कि एमआरपी का जब मैं 75% निकालूं तो वो मेरे 120 के इक्वल आना चाहिए, समझे आप इस चीज़ को। भाई जो छूट देने के बाद में 25% की, जब मैं वो एमआरपी का कैलकुलेट करूं छूट देने के बाद में परसेंटेज, वो 120 के इक्वल आनी चाहिए, यानी कि 20% का प्रॉफिट उसमें इंक्लूड होना चाहिए। तो जब मैं एक्स का 75% निकालूं वो 120 के इक्वल होना चाहिए, तो ये एक मेरी इक्वेशन बन गई। अब मैं इसकी करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 75x बराबर ये हो जाएगा 12,000 यानी कि 12,000। इसको डिवाइड कर देंगे 75 से तो ये आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 160। तो जो एमआरपी है आपकी वो कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 160 है यानी कि एमआरपी आ गई, क्योंकि एमआरपी हमने एक्स माना था, तो एक्स की वैल्यू आपकी 160 मिल गई है। हमारी सीपी कितनी थी, 100 थी, तो कितना परसेंट अधिक रखना होगा भाई, इन दोनों का डिफरेंस देखिए 60% है, तो अधिक रखना होगा आपको 60%, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, देखिए कितना परसेंट अधिक रखना है, 60% अधिक रखना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आते कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, उसमें बता दिया करें, अगर समझ में आ जाते तो लाइक कर दिया करें ताकि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ आपको समझ में आ गया।